तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बहुत दिनों से चैनल पे कोई वीडियो आई नहीं है, मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं है। कम से कम 15 से 16 दिन हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए, एक आध दिन, 16-17 दिन। तो दरअसल क्या है कि मैं पिछली वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगा, मतलब हफ्ते में 4 दिन तो वीडियो डालूँगा, क्योंकि उससे पहले भी मैंने काफ़ी दिन वीडियो नहीं डाली थी। दरअसल हुआ क्या था कि मैंने वीडियो बनाने गया था, मैं उसके जस्ट उस वीडियो के जस्ट एक अगले दिन मैं वीडियो बनाने गया था, एक शूट करने गया था। तो मैं शूट करके पूरा लाया, ठीक है, मैंने अच्छे से शूट किया। मैंने दरअसल क्या किया था कि जब मैं शूट कर रहा था तो मैं उस टाइम पे चेक नहीं कर रहा था कि उसमें वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैंने पूरा शूट कर लिया, मैंने कहा शूट होने के बाद पूरा देखेंगे क्या है। तो मैं शूट करने के बाद आया घर, मैंने मेमोरी निकाली कैमरे में से और मेमोरी लगाई मोबाइल में, उसके बाद मैंने चेक किया तो वॉइस थी नहीं। अब तो मैंने यही सोचा, तो मैंने सोचा कि उस पर वॉइस ओवर कर देते हैं, तो अलग से मतलब वीडियो चलती रहेगी, उस पर वॉइस डाल देते हैं, उसमें बता भी देंगे कि इसमें मैं बता वीडियो बनाया तो वॉइस नहीं आई। तो मैंने वॉइस ओवर करने के लिए अपना लैपटॉप उठाया, लेकिन दिक्कत ये थी कि जब मैंने लैपटॉप उठाया और मैंने लैपटॉप खोला तो वो खुला ही नहीं, बंद पड़ गया, बेचारा ने दम तोड़ दिया। मगर ऐसा नहीं है कि अब वीडियो आएंगे नहीं या वीडियो बनेंगे नहीं, उसके बाद भी कुछ वजह थी कि ऐसा नहीं कि लैपटॉप ख़राब गया तो उसके बाद से मैंने फिर बनाने छोड़ दिया, नहीं। उसके बाद वजह ये थी कि मैं उसके 2 दिन बाद तो मैं बीमार पड़ गया था, मेरे फीवर आ गया, तो 5-6 दिन तो मैं बीमारी रहा। सर्दी जुकाम तो इतनी जल्दी जाते नहीं, आप लोग जानते हो, सर्दी जुकाम हो गया तो दरअसल वो जाते ही नहीं जल्दी, और बुखार भी हो गया था। तो उसकी तो मैंने सोचा कि रेस्ट करना चाहिए ऐसे इस माहौल में, जैसे कोरोना के टाइम पे ऐसे कहीं सर्दी जुकाम है, फीवर है, कुछ भी है, तो बाहर नहीं जाए तो ज़्यादा बेटर, मतलब भीड़ भाड़ में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप घर ही में रहो, रेस्ट करो, दवा खाओ, बस सो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने यही किया, मैं घर पर रहा, मैं कहीं ज़्यादा गया नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे बाहर बस टहला घर के अपने, और कहीं मैं गया नहीं। तो यही वजह थी, ऐसा है नहीं कि दरअसल वीडियो आएंगी कि नहीं आएंगी, वीडियो आएंगी ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं उसके एक दिन बाद भी वीडियो बनाने गया था, मैं मतलब जब मैं ठीक हो गया, मतलब मैं 6-7 दिन मैंने नहीं बनाया, जब लैपटॉप ख़राब हुआ था मेरा तब तो चलो ठीक है, तब तो मैं बना नहीं पाया। उसके दो दिन बाद तो मैं बीमार पड़ गया, ठीक है। तो 6-7 दिन जब मैं बीमार रहा, सर्दी जुकाम रहा, तो मैं बाहर गया नहीं कहीं, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बाहर मैं गया तो ऐसे कहीं दरअसल बीमार तो कहीं जाना सही भी नहीं है। तो दरअसल मैं उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं उसके बाद वीडियो बनाने का मैंने सोचा नहीं, मैं उसके बाद भी जब मैं बीमार हो गया था तो मैं ठीक हुआ, 6-7 दिन लगे ठीक हो गया। तो 6-7 दिन बाद फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत दिन हो गए कोई वीडियो डाली नहीं चैनल पर, डालनी चाहिए, तो मैंने डालने की सोची। तो मैं गया बाहर घड़ी ले, मैंने सोचा वीडियो बनाएंगे एक अच्छी सी। तो जब मैं जा रहा था अपने घर से 100-200 मीटर दूर, तो वहाँ पे पड़ा था पानी, आप जानते हैं स्कूटी एक्टिवा कितनी फिसलती है अगर अगला ब्रेक मार दिया, तो वहाँ पे पड़ा था पानी और मैंने मार दिया अगला ब्रेक, मैंने पिछला नहीं मारा, मैंने मार दिया अगला ब्रेक। जब मैंने अगला ब्रेक दबाया तो अगला टायर स्लिप कर गया इस साइड पे, तो जब इस साइड पे स्लिप कर गया तो गाड़ी इधर बढ़ गई, गाड़ी इधर बढ़ गई, गाड़ी आगे मैं पीछे, पीछे रह गया, गिर गया, और ये उसकी निशानियाँ देखिए, और भी लगी थी पैर पर, ठीक है वो तो दिखा नहीं सकती। तो दरअसल यही है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वीडियो आ नहीं पा रही थी, तो अब तो है कि मतलब वीडियो आएंगी, क्योंकि मैं मोबाइल से एडिट करूँगा, अभी तो लैपटॉप बिल्कुल चालू हो ही नहीं रहा है, मतलब ख़त्म हो गया, मर गया। तो मैं गिरा, तो जब गिरा तो फिर मैंने सोच, फिर उसके बाद गिर गया जब मैं, तो फिर मैं उठा और मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, चालू ही नहीं हो रही थी, उसको चालू कराया क्योंकि ओवरफ्लो हो जाती है गाड़ी गिरने के बाद, अगर गाड़ी गिरी है धक्के से तो ओवरफ्लो हो जाएगी और वो स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं गाड़ी लेके गया धक्का मारते हुए और स्टार्ट करवाई गाड़ी दुकान पे जाके, तो उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर मैं गाड़ी चला के लेके आया, फिर मैं घर में रहा, फिर तो फिर जाने नहीं दिया मुझे कहीं, फिर तब तो ठीक हो, अब तो लगातार वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही, अब तो बनाता रहूँगा मैं, अब ध्यान रखूँगा गिरूँ ना, बहुत दर्द होता है भाई ठंडी में चोट लगती है तो। तो आज के लिए बस इतना ही,
तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, ठीक है? और ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।